क्या बिहार की एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के लेटेस्ट बयान से हड़बड़ी मच गई है। जीतन राम मांझी के बेटे को पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है, लेकिन उन्होंने एक और मंत्री पद की मांग की है। 5 फरवरी को बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उससे पहले जीतन राम मांझी ने एक बड़ी डिमांड रख दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर तक मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और उन्होंने ये मांग रखी है कि उनकी पार्टी के एक और नेता को मंत्री का जो पद है वो मिलना चाहिए। निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया, और हम 5 विधायक हैं, 4 MLA और 1 MLC, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। ब्रेक से पहले हमने आपको जीतन राम मांझी का बयान दिखाया जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर एक निर्दलीय को मंत्री बनाया जा सकता है तो 4 विधायक वाले उनकी पार्टी को 2 मंत्री पद मिलने भी चाहिए, नहीं तो ये अन्याय होगा। अब आपको मांझी का वो बयान दिखाएंगे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर आया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसे में उनकी पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद तो मिलने ही चाहिए। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक्के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है।